एक बार दोबारा आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम बैठे हुए हैं अजमेर की इस पावन धारा के ऊपर, हमारे बड़े भाई सखा मित्र अनुज भाई पवन बोर्ड ने पूरा अजमेर जो है आज काफ़ी घुमाया है, काफ़ी बिरादरी के लोगों से मिलाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और काफ़ी जन जागृति के लिए काफ़ी जो है कोशिश की है कि हम युवाओं के ये जो बढ़ते दुष्परिणाम है, जो समाज के अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है नशे की प्रथा को, उसको कैसे रोका जाए और विकास के पथ पे कैसे हम लाए जाएँ, उसके लिए आज सिर्फ न कि खाली बुज़ुर्गों से माताओं से बहनों से बच्चों से सभी से आग्रह किया है कि आप विकास के पथ पे आएँ। और जब तक हम विकास की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा समाज विकास के लिए अग्रसर नहीं हो सकता है। कोई ना कोई तो चाहिए समाज में, एक ना एक व्यक्ति तो चाहिए जो समाज की जागृति के लिए अपना भागीदारी निभाए। बड़ी खुशी होती है कि पवन भैया जैसे लीडर इस पूरे अजमेर के अंदर अपना एक नाम रखते हैं, एक वर्चस्व रखते हैं। लेकिन बस ये है कि हमारे समाज के लोग जब इनको मान और सम्मान देने लग जाएंगे तो ये किसी से कम नहीं है। ये भी पार्षद बन सकते हैं, ये भी MLA बन सकते हैं। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि हमें थोड़ी मनोबल की आवश्यकता है, हम अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी है। पवन भैया क्या कहना चाहते हैं? पवन भैया के मन में यही बात रहती है पॉलिटिकल लेवल पे हमारे लोग आगे बढ़े, अगर वास्तव में समाज में उन्नति करनी है, समाज में विकास करना है तो पवन भैया के विचार जाने थोड़े से कि आखिर पवन भैया हमें क्या करना है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले गोइंग की ओर हमारे YouTube चैनल इन्होंने चलाया है, बहुत अच्छा लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समाज में भी अच्छी पहल इन्होंने पैदा की है। और अजमेर में अभी 2 दिवस से इनका जो दौरा है, 2 दिवस के अंदर इन्होंने युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को इन 2 दिनों में बहुत अच्छा जागरूक किया है। युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए एक संदेश दिया इन्होंने और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एजुकेशन में भागीदारी लेने के लिए इन्होंने प्रेरणा दी है। इन्होंने उनको एक उत्साहित भी किया है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज में प्रसार